हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अम्मी को लेके हॉस्पिटल आया, डायमंड हॉस्पिटल है मलाड में ही है, हड्डी के दर्द के लिए। अम्मी की कमर का बहुत इशू हो रहा है और अभी नहीं, बहुत टाइम से ही चल रहा है वो, तो दवा ववा चालू रहती है, लेकिन ये बार ना कुछ ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। दवा बहुत सारी निकाल के दे दी है, पहले डॉक्टर ने बोला सिर्फ 5 दिन की दवा दूंगा, फिर 5 दिन के लिए भी बहुत सारी दी है। देखो बताता हूँ तुम लोगों को। अस्सलाम, टेंशन तो नहीं हो रहा ना दवा का, देखिए इतनी सारी दवा, पहले ऑलरेडी इतनी सारी दवाइयाँ चालू है, ऊपर अभी यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी गोलियाँ दे रहे खाने के लिए, देखते हैं अभी बताएंगे कैसा खाने का। अरे सिर्फ 5 दिन खाने का, 10 दिन बोले ना, मतलब 10 दिन मतलब 5 दिन के बाद इंश बोले सही हो जाएगा, लेकिन ना अगर दर्द रहेगा तो 10 दिन तक, मतलब दर्द होने के टाइम पे ही खाना है। हाँ, और 15 दिन और खाई हूँ मैंने रेगुलर डॉक्टर से दवा लेके, लेकिन एक्सरसाइज करना है। डॉक्टर ने बोले, बोले डॉक्टर ने बोले कि दवा से ज्यादा एक्सरसाइज जरूरी है। क्या ये 10 दिन का तुम्हारी दवा है? 10 दिन की दवा है ये, 5 दिन का खाली लेके। उसके बाद ये है ना, ये हफ्ता में एक बार है, ये सुबह सुबह ब्रश मंजन करने के बाद बॉटल खोल की खाली पेट में पूरा पी लेने का, हफ्ते में एक बार कल पीने का, अगला सप्ताह ऐसा 4 हफ्ते पी जाएगा। अच्छा, मुझे पिछले बार को गोली दिए थे ये पीने वाली, ये बहुत अच्छा है, क्रॉनिक प्लस दर्द का है ये एक गोली तोड़ के सुबह आधा रात को आधा, सुबह शाम, ये भी सुबह शाम। अच्छा, सब सुबह शाम की छे, दो दो टाइम की छे। हाँ, समझो ये तो हफ्ता का है, ये हटाओ, ये हफ्ते का एक बार, ठीक है। और ये दवा गैस का है, इससे कुछ खाना खाने से अच्छा ही करेगा, ये कुछ बुरा नहीं करेगा, मतलब असर कुछ नहीं। खाली 3 दवा है दर्द की, ये आपको आपका खाने वाला एक ही है, ये दोनों दो टाइम खाना है, ये दो टाइम आधा आधा, ये दोपहर को। अच्छा, ये एक टाइम, ये एक टाइम दोपहर दोपहर को। अच्छा, इसमें से दर्द वाली कौन सी है? दर्द वाली आपका मेन दर्द वाली ये है, ये वाली, ये है ना दर्द की मेन। हाँ, एक्चुअली ये हॉस्पिटल किसी ने रेफरेंस दिया था तुमको? रेफरेंस दिया नहीं था मुझे, पहले भी मैं आई थी हड्डी के लिए, जब पैरों में एड़ियों में जब दर्द होता था ना, तो मुझे रियाज भी यही हॉस्पिटल में लेके आया था, डायमंड हॉस्पिटल में। ठीक है ना, इकबाल भाई का जब एक्सीडेंट हुआ था यार, पूरी हड्डी वड्डी सब टूट गई थी, तो यही हॉस्पिटल में ऑपरेशन किए थे ना, तो सलिया वलिया लगा के। अच्छा, तो माशाल्लाह मेरा भाई ना बहुत जल्दी अच्छा हो गया था। नहीं, लेकिन है डॉक्टर, हड्डी वाले डॉक्टर है। एक चीज़ बहुत अच्छी बोले उन्होंने कि ना, हड्डियों का दर्द ना जॉइंट से वजह से होता है, वहाँ की मसल्स कमज़ोर रहती है तो जॉइंट पे प्रेशर आता है। हाँ, तो इसलिए एक्सरसाइज ज़्यादा करो ताकि मसल्स वहाँ की बढ़े और आप लोगों का दर्द और प्रेशर कम हो जाए। हाँ, एक्सरसाइज का तरीका भी बताए मुझे, 4 तरीके की। हाँ, एक्सरसाइज बताए अम्मी को, सुबह और शाम करना चाहिए। अम्मी करेंगे ना? हाँ, करूँगी ना इंशाल्लाह। अभी हम लोग कहाँ जाने वाले? अभी जाएंगे हम थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, गोरेगा वाले डीमार्ट में आया है, जो बड़ा वाला है ना, ये बड़ा वाला डीमार्ट रोड है वो साइड। अभी हम लोग यहाँ पर पहले चाय पी लेंगे, अभी बोले पहले चाय पिएंगे फिर जाएंगे, नहीं तो अंदर फिर कुछ मिलता नहीं, उस साइड कुछ है ही नहीं। ये देखो बस स्टॉप पे बैठा, देखो ऐसी बनाए, पता है क्यों? पहले ना पब्लिक यहाँ पर सो जाती थी इसके लिए। खाना तो पेट भर के खा के निकले, मगर क्या करेंगे ना, चाय की तलब है, अगर एक बार अंदर घुस गए ना डिमांड में फंस जाएंगे, फिर चाय की तलब लगते रहेगी, चाय भी पी रहेगी। ये मेट्रो पे इतने बार ट्रेन देख लिया मैंने, डेमो ट्रायल वाली, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुए थे पब्लिक। मेट्रो अच्छी बना रहा ना, मस्त बनाया। अपन उस दिन मीरा रोड से भी आने के टाइम पे देखे, फॉलो भी स्टार्ट नहीं हुआ ना, लेकिन अभी तक ट्रायल चल रहा है, अभी भी ट्रायल। अभी मिला मेरे को पुराना वाला 2 का कॉइन, 100 रुपये जमा करती अभी भी। मार्केट से सब पुराने जो डॉलर आते हैं ना, 100 ही छीन लेती। अरे मेरे से भी 20-20 के 2-3 डॉलर छीन के लेके गई है। तुम लोग को पता है पहली बार हम लोग डिमार्ट आए हैं वो भी थैली लेके। हर बार आते हैं और अंदर जाने के बाद यही क्वेश्चन होता है, सामान लेने के बाद थैली लाए हो? फिर अपन बोलते हैं नहीं लाए, लाओ तुम, तुम्हारा पैसे की दो, एक थैली दो थैली जितनी भी है, फिर उसका पैसा अलग देते हैं, और वो भी कपड़े वाली थैली का अलग पैसा है ना, ज़्यादा पैसा है, तो इसलिए अपन ने थैली लेकर आए पहली बार। याद रखने का, कभी भी डिमार्ट जाने के टाइम पर थैली लेके जाने का। अरे मैंने हाँ, हेलमेट डाल देना अंदर, यहाँ पर पार्किंग भी है मस्त एकदम चकास। एक पानी पूरी आ गए भैया, अब दो हो गए। मैं बोला था ना लास्ट टाइम पे, उसको बोल के गया था ना कि भाई बुला ले अपने दोस्तों को, दोस्तों को बुला ले, यहाँ पर नाश्ता पानी लगते रहेगा। अभी तो पेट भर के खा के आए माशाल्लाह। दाल चिकन हाँ लगा लेते ना, लाओ ना, दोनों पे सील लगाना पड़ेगा पहले, ठीक है? ये भी जरूरी है सील के लिए, यहाँ से आने का अंदर से। कैरी बैग पे हो गया, लेकिन इस पर नहीं बोले, बोले इसकी ज़रूरत नहीं है। चॉकलेट्स लेंगे बाद में, ठीक है? मैं गाड़ी ले लूँ? तुम बोले कि थोड़ा सी लेने का है, फिर बाद में फिर गाड़ी लगेगी मेरे को।
मैं हाथ दुखने के बाद मैं गाड़ी लेकर आता हूं। थोड़ा सा लेंगे अभी भर जाता फिर भागता वजन मिल गया चलेंगे सही पकड़ो मैं गाड़ी चलेंगे। बहुत सारा आइटम है बाय वन गेट वन पे, हाँ बहुत सारा। ये देखो प्लम केक, क्रिसमस केक बाय वन गेट वन है ना। ये डाबर का चमनप्राश, पतंजलि चमनप्राश, डीमार्ट प्राइस MRP 360 है, डीमार्ट प्राइस 260, 100 रुपये का ऑफ है इस पर। हनी मस्त है ना, लेकिन अभी अपने पास में ना दो दो हनी की बॉटल ऐसी है ना। तुम कॉफ़ी ले लो बड़ी वाली यहाँ से, हम लोग के घर में ना छोटी छोटी कॉफ़ी के बहुत सारी आ रहे हैं, लेकिन है ना बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रहे हैं, महीने भर में भी नहीं चल रहे, वो भी दो दो तीन तीन नहीं चल रहे। मैं बोला भाई ये बड़ी ज़्यादा ले लो, फिर देखो बाय वन गेट वन है कॉफ़ी। ले कैफे रिच अरोमा प्रीमियम टेस्ट, ट्राई करके देख लो। ले कॉफ़ी, ये कौन सी ले कॉफ़ी? ये नेस कॉफ़ी, नेस अभी हम लोग के हिसाब से तो नेस कैफे भी ना हम लोग के लिए ना नकली कॉफ़ी है। और ब्लू कॉफ़ी देख लो, देखो यहाँ पर कौन सा वाला है, एक्स्ट्रा कॉफ़ी है, इस पर 45 रुपये का ऑफ है, 600 रुपये का MRP तो 555, और ये एक क्वालिटी ऑफर्ड फ्रॉम डीमार्ट, डीमार्ट की तरफ से ना मी, एक बार ट्राई तो करो। हाँ ले लेना, फिर बाय वन गेट वन है ना, ले ले ले। क्या दे रहा है देखो 400 ग्राम, हाँ बॉटलों की कमी नहीं अपने घर में। देखो ये 200 ग्राम दे रहा है 550 रुपये, ये 200 ग्राम के दो पैकेट 400 ग्राम 400 रुपये, क्या सही है? हाँ ले लो ना, इसमें ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं हम लोग। फिर कॉफ़ी तो ये सारी सारी कॉफ़ी नकली है, हमारी एक्चुअल फ्रेश ग्राइंड कॉफ़ी के आगे है हमारे घर के सामने ये सारी कॉफ़ी नकली है। इसलिए कि कार्डियम टी पाउडर अच्छी सेंग नहीं है, ये भुनी हुई सेंग है ना? नहीं है मी, कहाँ से भुनी हुई लग रही, नहीं भुनी हुई नहीं है ये भाई, इतनी पैक ऐसा क्यों दिख रही है? एयर एयर के वजह से, वो नरम ना हो नहीं क्या, नरम सॉगी हो जाती है। एयर टाइट बोलेंगे उसको, एयर टाइट खोलेंगे तो एकदम ये रहेगी, दावस पैकिंग बोलते हैं उसको, फ्रेश रहेगी, ज़्यादा दिन फ्रेश रहेगी है ना। ये अम्मी जीते मैं हारा, ये भुनी हुई सेंगे, भुनी हुई सेंगे ये, अपने को कच्ची सेंग लगती ना पोहे वगैरह में, साबूदाना वगैरह में, डेली नाश्ते में। फिर हनी डाबर हनी, नहीं हनी अभी दो दो बॉटल कंप्लीट लेके जाते, अगर खलास हुआ तो मैं बड़ा लेके जाऊंगी, तो वो आज तक खलास नहीं हुआ है, वो वैसे ही पड़ा है। बचपन में बहुत मन करता था ये सब खाने का, फिर बाद में जब बड़े हो जाते ना, अरे वटा बोले अपना इसी ताकत है, हल्के अपन अंदर से हमारी उसमें खाती है, लेकिन आज के अभी फालतू सामान नहीं लेके बोल रहे, अम्मी बोल रहे सिर्फ जरूरत का सामान, लास्ट टाइम में फालतू सामान लिया, जरूरत का सामान ही लूंगी, क्योंकि पिछले बार को नाश्ता लेंगे ये लेंगे वो लेंगे करके जो जो ये बच्चे खाएंगे बच्चों ने कुछ नहीं खाया अभी तक, पड़ा ये वाला केलॉग्स लिए थे कोई नहीं खाया, हाँ अभी तक पड़ा है घर में। देखो गुड़ है, गुड़ गुड़ मैं गुड़ 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 भी रहेगा ना? नहीं गुड़ नहीं लेंगे, एक किलो गुड़ लेके आई बोलती मेरे को काला गुड़ मिला, अरे तो भाई ठीक है काला गुड़ मिला, पहली बार मिला, एक किलो लेके आएगी ये चाचा इतना फास्ट लेकर आए ना गाड़ी एकदम कॉर्नर से, यहाँ से मेरे को तो डरा ही थी, मतलब वाह इतनी स्पीड, एकदम फोर व्हीलर एकदम बिना लाइसेंस के लेके घुस जा रहे सीधा सीधा, गुड्डी का बाल तिल के लड्डू एक बचपन में ही खा सकते, अभी के हिसाब के दांत अपने रहे नहीं है घर में, किसी के भी इतने मजबूत दांत नहीं। ले ले कौन कौन सा खाना है, बिस्कुट बिस्कुट अभी मैंने कल रात में ही लेकर आया, बबन बबन ये सब बड़े बड़े पैकेट है, इसका सीन एक ही है ना कि अगर खोल दिए ना फिर खा के ख़त्म करो ना तो फिर ख़राब हो जाएगा, छोटे छोटे पैकेट समझ में आते, मूड हुआ खोल के खा लिए, इसके अंदर छोटे छोटे पैकेट है बराबर। ये ले लो कितने का दे रहे, 90 रुपया, 90 रुपया बोल के 75 रुपीज़ में, हाँ हाँ चलो ये ले देते, ये चीज़ वाला फ्लेवर है ना, ये कोई भी खा लेगा। देखो वोफल जैसा मिल गया अम्मी को, तो अम्मी बोले चलो इसके जैसा कुछ बनाएंगे अपन, पहले ले लेते अम्मी खाने के मन हुआ अम्मी का, हाँ नहीं इसका केक भी बन सकता है, झटपट वाला केक, झटपट वाला वो ओफेल केक, हाँ फटफट एकदम जबरदस्त, किसी का बर्थडे है तो ये लेके आओ फटाफट बनाओ, इधर से जाएंगे अपन, यही सही है, इधर से गाड़ी मेरी जल्दी निकल जाएगी, इधर से गाड़ी फंस जाएगी, गाड़ी भी बहुत बवाल है भाई, देखेंगे बहुत ट्रैफिक है। ओहो रसगुल्ला,
चलो मैड एंगल तीखा वाला और ये स्पाइसी प्रीमियम नाचोस। ओ ये वाली गाड़ी में हॉर्न होना चाहिए है ना। अभी कैसा बार बार बोलेगा अपन हटो हटो हटो, हॉर्न रहे तो बजा दूँ ना पी पी है ना। मैं तो बोल रहा हूँ ये गाड़ी के अंदर हॉर्न होना चाहिए। नहीं व्हाइट चॉकलेट मत लो गैलेक्सी, हाँ मज़ा नहीं आया। ये वाला है ना इसका लेकर आया था ना मैंने। हाँ अपन चॉकलेट वैसे भी लेने वाले थे, अपने घर की चॉकलेट खत्म हो गई, राशन खत्म हो गया, मतलब ये वाला सेक्शन है। गाड़ी लेकर आता हूँ डालते जाओ ना। हाँ मतलब इतना बड़ा छोटा वाला है यहाँ पर देखो, क्योंकि रह जाता बड़ा खोल के रह जाता ना तो छोटा अपने हिसाब से कोई खोले तो खा ले। मैंने तो वीडियो के लिए लाई थी ये वाला भी अच्छा है, बड़ा वाला पड़ा है होल आलमंड, और ये वाला भी क्रीमी वाला भी अच्छा है। इसके हर्शीज के भी कैडबरी अच्छी होती है। फाइव स्टार, ये फाइव स्टार 3D आया है भाई। हाँ मेरी चॉकलेट मज़ेदार नहीं है, ये एक आध और ले लेता हूँ ठीक है। फाइव स्टार ओडियो प्यूस 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 ये वाला सही खाता ना। हाँ ब्लैकबेरी ब्लूबेरी ग्रेप्स। चॉकलेट खाने का टाइम होता है सिर्फ रात का, अगर आप रात को चॉकलेट खा के सो रहे हो तो नींद मस्त आती है। ऐसा दिन में खा तो मज़ा नहीं आता, रात में खाने का मज़ा आता है। ट्राई करके देखना एक बार। हम लोग आए हैं जब से सिर्फ चॉकलेट ही खरीद रहे हैं। आपने ना मॉइस्चराइजर दे दी नहीं दी रहती थी ना, तो ये देखो ये सॉफ्ट बॉक्स बड़ा वाला 300 ml का 465 rupees का आता है, यहाँ पर बाय वन गेट वन, मतलब बहुत अच्छा सौदा हो जाता है। लेकिन आपने मेरे को दे दी थी भाई वाव का, तो अपना मूड एकदम वाव हो गया। तो टॉयलेट नहीं, उसमें आलमंड और अखरोट, आलमंड और अखरोट है नहीं, ये वापरते हैं ना हमेशा। ये नॉन ऑयली ऑयल रहता लेकिन नॉन ऑयली, तो इसको तो मैंने अभी ऐसा किया गया, बार बार कैमरे पे लग रहा है टपाक तो खूब, तो मैंने इसको ऐसा कर दिया। ये है ना रोमन होटल स्पाइसी लास्ट में जो सर लेकर आए थे, अच्छा खासा हम लोग ने भर के ले लिए है। अब सीधा बिलिंग कराने वाले हम लोग। मम्मी को याद आया है बच्चे को अरबी भेजने का। दिमाग का एक चीज है ना, अंदर ना टैंक कितना गया पता ही नहीं चलता है, बिल्कुल भी नहीं मालूम पड़ता है, निकल जाता है मालूम नहीं पड़ता है। 3 घंटा अपना तो 3 घंटा निकला है। हाँ नहीं वही पर घर से अपन निकले 4 घंटा हो गया, लेकिन मालूम नहीं पड़ा ना। हाँ अभी हमें मालूम सलाम का है, यूसुफ की अरबी का टाइम है दिला। हाँ जा फटाफट 6 बजे बराबर उसको पहुँचा दो अरबी के लिए। और हम लोग ने जो थैली लेकर आए थे ना, देखो दोनों थैली के अंदर परफेक्ट सामान आया है, हम लोग को तीसरी थैली लेने की जरूरत नहीं पड़ी, और थैली के बाहर भी कोई सामान नहीं रहेगा, तो ये चीज़ अच्छी हो गई। कैरेमल पॉपकॉर्न है क्या? नहीं चीज़ पॉपकॉर्न सॉल्टेड पॉपकॉर्न है। देखने का चाहिए तुमको रियाज के लिए? अरे घर पे बनाएंगे ना, मेरे को खुद को भी अच्छे लगते हैं। देखो भाई कैरेमल में है क्या पॉपकॉर्न? नहीं ये नहीं रखते, मैं कैरेमल में नहीं रखते। कैरेमल के लिए PVR जाओ या थिएटर जाओ, थिएटर जाके लेना पड़ेगा। मोमोज खाएंगे? मोमोज मोमोज दिखा मेरे को, यहीं से दिख रहा है हमें को, फिर लगी भूख। देखो यहाँ पर मैंने बोला ना लास्ट टाइम पे पानी पूरी वाला ही था, अभी पानी पूरी के साथ सैंडविच वाला है और मोमोज वाला भी है। नहीं दोस्त अपने को नहीं लगेगा, तो क्या करूँ मैं बाइक लेकर आता हूँ, पहले सामान अपन बाइक पे डालते हैं, फिर बाइक वहीं खड़ी करेंगे और फिर मोमोज खाएंगे। ये अपना सैंडविच तैयार भाई, क्या नाम है? जयेश। जयेश भाई एक नंबर बनाए। कैसा है सैंडविच? मस्त एक नंबर सैंडविच, सही में अच्छा लगा। चलो फिर चले घर पे। चलो भाई चलेंगे ना फिर, और क्या दवा खाने के लिए निकले थे। दवा खाना हो गया, आप लोग का घूमना फिरना नाश्ता पानी हो गया, शॉपिंग हो गई, मजे कब। अब मेरा आधा काम हो गया, आधा राशन हो गया है, अब चाय की पत्ती दाल चावल सब अन्ना की दुकान से जिंदाबाद। और दवा जरा टाइम पे खा लेना। अरे हाँ दवा तो भूल ही गई, अब खाएंगे रात से खाएंगे। चलो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना मेरे बच्चे के चैनल को, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
ज़रूर से सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करना, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को क्या चाहिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, जब तक लेटा ना, बाय बाय, खुदा हाफिज़, बाय बाय।